अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी, बेसन का चीला। बहुत ही इजी है और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च लेंगे। आप हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अजवाइन और 2 लहसुन। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरीके से इसे पीस लेना है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले बिना पानी के ही इसे ड्राई ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे दोबारा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके का मैंने इसे पीस कर रख लिया है। इसे हम बैटर में डालेंगे। एक बोल में हम 1 कप चने का आटा यानी कि बेसन लेंगे और यहाँ पर हमने जो मिक्सचर नमक मिर्च का प्रिपेयर किया था वो ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें अपना बैटर रेडी कर लेना है। थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर डाला है और दोबारा इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसे विस्क करना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े, फूटियाँ ना पड़े। और इस तरीके से हम एक विस्क की हेल्प से इसे मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस तरीके का थिन और पतला बैटर हमें चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिन है। इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। गर्मा गर्म तवे पे हम इसे स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से हमें पतला सा एक चीला बनाना है। साइड्स पे थोड़ा डाल देंगे और पतला सा हमें चीला बनाकर रेडी कर लेना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से तेल डालेंगे। आप तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। साइड से डालेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी हो। तवा हम नॉनस्टिक यूज़ करेंगे ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो। एक साइड से पक चुका है, इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बेसन चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।